News 18, India. इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी की तारीफ कर दी है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि पहले भी कभी पीएम मोदी उनके दुश्मन नहीं थे और आज भी उनके दुश्मन नहीं हैं। पीएम मोदी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने शिवसेना के साथ संबंध जोड़ने का फैसला किया था। हम आपके साथ थे, शिवसेना आपके साथ थी, लेकिन बाद में आपने हमें खुद से दूर कर दिया। उद्धव ने कहा कि हमारा हिंदुत्व और भगवा ध्वज आज भी कायम है, लेकिन बीजेपी आज इस भगवा ध्वज को फाड़ने की कोशिश कर रही है। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी की तारीफ की है, क्या इससे संकेत मिल रहे हैं? ये एक अहम बात है क्योंकि अलायंस पार्टनर रही है, गठबंधन में रही है, और ऐसे में उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं, पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी तो उनके दुश्मन थे ही नहीं, आज भी उनके दुश्मन नहीं है। तो पीएम मोदी जी, हम आपके कभी दुश्मन नहीं थे, ये ट्वीट जो हम आपको बता रहे हैं, हमेशा आपके साथ थे, लेकिन आपने ही हमें दूर कर दिया। दिवाकर, न्यूज 18 इंडिया संवाददाता फोनलाइन पर मौजूद है। दिवाकर, क्या ये कोई बड़ा संकेत दे रहा है उद्धव ठाकरे का ट्वीट, एक बार फिर से साथ आ सकते हैं, इसको इस तरीके से देखें? देखिए, जसप्रीत, जाहिर तौर पर एक संकेत जरूर मिल रहे हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उद्धव ठाकरे का बयान ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटों को लेकर लगातार इंडी गठबंधन की बैठक हो रही है, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की बैठकें हो रही हैं, तीन बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कोई बात अब तक सीट शेयरिंग को लेकर नहीं बन पाई है। लगातार खींचतान जारी है, कांग्रेस शिवसेना से 23 सीटें मांग रही है और शिवसेना देने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके चलते तीन बैठकें जो है बेनतीजा रही हैं, और ऐसे में एक भाषण के दौरान उद्धव ठाकरे का पीएम मोदी की इस तरह से तारीफ करना कहीं ना कहीं दिखाता है कि जिस तरह से बिहार में, बंगाल में इंडी गठबंधन में फूट हुई, उसके बाद क्या महाराष्ट्र का नंबर है जहां पर महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट जो है वो अलग होकर फिर बीजेपी के साथ जा सकता है। हालांकि जिस तरह से बयान उद्धव ठाकरे ने दिया है, इसके कई मायने जरूर निकाले जा रहे हैं, लेकिन अब आगे क्या बातचीत होती है, क्या बीजेपी उद्धव ठाकरे के बयान के बाद उनसे बातचीत करती है, उद्धव ठाकरे अप्रोच करते हैं, ये देखना काफी अहम होने वाला है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से ये बयान दिया है, जाहिर तौर पर इसके कई मायने हैं। जसप्रीत, ठीक है, बहुत शुक्रिया दिवाकर इस तमाम जानकारी के लिए। और वही सदन में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने गारंटी दी है कि उनकी तीसरी सरकार में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनकर उभरेगा। इन सारे 10 साल के कार्यकाल के अनुभव के आधार पर आज की मजबूत अर्थव्यवस्था को देखते हुए, जिस तेज गति से भारत विकास कर रहा है, उसकी बारीकियों को जानते हुए मैं विश्वास से कहता हूं, और इसलिए मैंने कहा है कि हमारे तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा, और ये मोदी की गारंटी है।